ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मैया का दरबार है। यहाँ के मंदिर में पहाड़ तो नहीं, लेकिन मंदिर तक पहुँचने के लिए वैसे ही पर्वतीय मार्ग की चढ़ाई पर चलने का एहसास होता है। डॉक्टर तिवारी के अस्पताल से होकर यह चढ़ाई वाला रास्ता निकलता है, जिस पर नाचते कूदते भक्त मैया के पिंडी स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के संस्थापक डॉक्टर राकेश तिवारी बताते हैं कि जो लोग मन से माता की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता तो जगत जननी है, वह सभी जगह विराजमान है। जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिनकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। उनके जीवन में हुए चमत्कारों से ऐसा लगा कि अगर मैया की भक्ति में उतरा जाए तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। अगर प्रतिदिन मैया के दर्शन कर दैनिक दिनचर्या शुरू की जाए तो हर काम में माता का आशीर्वाद रहता है। इसी विचार मंथन के बीच 6 जुलाई 1998 को 7वीं मंजिल पर बने मंदिर में वैष्णो माता विराजमान हो गयी। तब से ये साचा दरबार अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करता है। वैष्णो देवी के अलावा काली देवी, लक्ष्मी व सरस्वती के स्वरूप व उनके पिंडी स्वरूप भी यहाँ स्थापित हैं। मंदिर के पुजारी प्रभात ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे के साथ मैया की पूजा शुरू होती है और रात 10 बजे मैया को भोग के साथ शयन आरती होती है। दोनों नवरात्र में हवन पूजा होता है। नवरात्र में मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों का कहना है कि यह सच्चा दरबार है, यहाँ मैया से मांगने वाले की मुराद अवश्य पूरी होती है। और इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है नवरात्रि की। समझ लो आज प्रवास में जो लोग व्रत रहते हैं वो आज रहेंगे और कल उनका व्रत टूटेगा। कल यहाँ हवन होगा और कम से कम 1000-2000 कन्याओं का भंडारा होगा। मंदिर में आने से अब वो अपनी भक्ति माता रानी के प्रति जो भक्ति है वो प्रकट होती है और अच्छा लगता है मंदिर में आने में। माता की असीम कृपा से प्रेरणा मिली और माता ने ऐसे आश्चर्यजनक हमारे कार्य पूरे किए हैं जो सोचे भी नहीं जा सकते थे, उनको माता ने किया। इससे आपको कुछ जो है क्या लाभ मिला और कुछ प्रकार आपने जो है अब जो कुछ भी है माता की कृपा से है और जहाँ पर है ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और जो हमारी